महापौर संयुक्ता भाटिया का भी कहना है कि योग जीवन के लिए वो शैली है जिसको जीवन में उतारने से एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। लोगों को योगा रोज अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने महापौर संयुक्ता भाटिया से भी बातचीत की। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, हमारे साथ लखनऊ की मेयर और संयुक्ता भाटिया जी हैं। जानेंगे कि आखिर कितना लाभ और क्या अपने जीवन शैली में कैसे योगा को देखते हैं। मैम, कैसे योगा को देखते हैं अपने जीवन शैली की अगर बात। ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो मनाया जा रहा है, ये हमारी पुरानी परंपरा रही है। आज इसको हम फिर से उसके साथ जुड़ रहे हैं और इस योगिक क्रियाओं के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखें। और मैं लखनऊ वासियों को अपनी तरफ से कहना चाहूँगी कि योग क्रिया में जुड़ें। योग का अर्थ जुड़ना भी होता है एक दूसरे के साथ, और इस प्रक्रिया में हम एक दूसरे के साथ जुड़ें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, निरोगी रखें। और अगर स्वस्थ मन ही स्वस्थ कार्यशैली का परिणाम देता है, और स्वस्थ मन रखें, लखनऊ को सुंदर बनाएं, स्वच्छ बनाएं और निरोगी रहें। प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की, प्रधानमंत्री ने योग दिवस को एक बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया। अब पूरे विश्व की अगर बात की, 200 देशों के अंदर पूरे योग को मनाया जा रहा है, और योग दिवस की जो स्थिति है, आप हर तरफ ये जो संदेश आपने दिया कि हर तरफ हर तबके के लोग मनाएं, लेकिन जीवन शैली की अगर बात कर रही है वर्तमान में, कि कैसे आप अपनी जीवन शैली के अंदर योग को कैसे प्रयोग करती हैं, कैसे स्वस्थ रहते हैं। योग क्रियाएं जो हैं वो मन को स्वस्थ रखती हैं, और मेरे जीवन में भी जब से पहले तो मैं कभी नहीं करती थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से इस क्रिया को जोड़ने के हम सबको जोड़ने का प्रयास किया है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मेरे अलावा और लोगों को भी इसमें जोड़ने का प्रयास किया। योग का अर्थ ही होता है जुड़ना, और जुड़ने के साथ साथ मैं भी अपने जीवन में इस शैली को अपनाने का प्रयास कर रही हूँ और निरंतर योग क्रियाएं करने का प्रयास करती हूँ। राजनेताओं हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, सब में कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन या यूँ कहें कि नेगेटिविटी आती है काम करते समय। क्या कितनी दूर होती है, कितना लाभ मिलता है इससे? इससे बहुत लाभ मिलता है, मन शांत और चित शांत रहता है और योगी क्रियाओं के द्वारा। और जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए, हमारा सबसे पहले हमारा मन स्वस्थ होना चाहिए, और अगर हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो चाहे वह अधिकारी हो या कर्मचारी हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, उनका काम करने में मन लगेगा और ये योगी क्रियाएं हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। धन्यवाद। तो योग जो है वो जीवन की एक अगर शैली बना ली जाए तो इससे जीवन और तन मन सभी स्वस्थ रहता है। कैंसर मानिक चावला के साथ रामनिज भट्ट, लाइव टुडे लखनऊ।